अचानक एक जोरदार झटका लगने से इमरान की आंखें बेख्तियार खुल गईं। उसे यूं महसूस हो रहा था कि उसका बेड मुसलसल हिल रहा है। ओह, जलजला आ गया है। इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जहन पक से उड़ गया और उसकी आंखें जैसे हैरत से फैलती चली गईं। वो अपने फ्लैट की बजाय किसी वैगन की एक साइड में बने हुए बाकायदा बेड पर चित पड़ा हुआ था। उसके दोनों बाजू और दोनों पैर भी लोहे के बेड से बाकायदा क्लिप कर दिए गए थे। उसके सीने के गिर्द भी कोई सख्त सा राड मौजूद था, इसलिए वो अपने सर को गर्दन तक हरकत देने के और किसी किस्म की हरकत करने के काबिल न था। उसकी नज़रें घूमती हुई साइड पर पहुंची तो वो एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि साइड सीट पर एक नौजवान यूरोपीय लड़की हाथ में एक रिसाला पकड़े बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर डॉक्टरों जैसा सफेद कोट था। बेड के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी पड़ा हुआ था और ऊपर एक राड के साथ खून और ग्लूकोज की बोतलें भी लटकी हुई थी और उनके साथ मुंसलिक नलकियां बेड की साइड से अंदर जाती दिखाई दे रही थी। इमरान के जिस्म पर सुर्ख रंग का कंबल पड़ा हुआ था। इमरान का जहन हैरत की शिद्दत से चटकने लग गया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि वो रात के वक्त अपने फ्लैट के बेडरूम में सोया था और अब उसकी आंख खुली थी तो वो इस हालत में इस वैगन में था जो यकीनन किसी अस्पताल की एम्बुलेंस लग रही थी, लेकिन लड़की के जिस्म का रंग बता रहा था कि लड़की यूरोपियन है। इमरान ने बेख्तियार बोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जहन एक बार फिर तम्बाकू की जद में आ गया। उसकी जबान इस कदर मोटी हो चुकी थी कि वो मुंह में हरकत ही न कर रही थी, इसलिए इमरान एक लफ्ज भी न बोल सका था। हालांकि इमरान का ख्याल था कि होश में आते ही उसने जलजले की बात की थी, लेकिन अब अपनी जबान को बेहसो हरकत महसूस करके उसे यकीन हो गया कि वो फिक्रा भी उसके जहन में ही उभरा था। जबान से अदा न हुआ था, लेकिन उसे कोई बात समझ न आ रही थी। एक बार तो उसे ख्याल आया कि रात को सोते हुए उस पर अचानक किसी पुरइसरार बीमारी का हमला हुआ है और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन उस डॉक्टर लड़की और उस एम्बुलेंस की हालत देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वो किसी यूरोपीय मुल्क में है। एम्बुलेंस के शीशे धुंधले थे, इसलिए उसे बाहर के मनाजिर भी नजर ना आ रहे थे। अलबत्ता बाहर से ट्रैफिक की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अलबत्ता शीशों से आने वाली रोशनी से साफ मालूम हो रहा था कि दोपहर का वक्त है। उसी लम्हे एम्बुलेंस को एक जोरदार झटका लगा और इमरान समझ गया कि उसे ऐसे ही किसी झटके की वजह से अचानक होश आ गया। अरे, तुम्हें होश आ गया अली इमरान, हैरत है, अचानक लड़की की हैरत भरी आवाज सुनाई दी और इमरान ने उसकी तरफ देखा तो वो रिसाला एक तरफ करके हैरत भरी नजरों से इमरान की तरफ देख रही थी। वो वाकई यूरोप की रहने वाली थी। उसके चेहरे पर ऐसे तसरात थे जैसे उसे इमरान के इस तरह हो अचानक होश में आ जाने का यकीन ही न आया हो। उसने जल्दी से रिसाला एक तरफ रखा और कोट की जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल जितना आला निकाल कर उसका बटन प्रेस कर दिया। ग्लेंडा कॉलिंग ओवर, उस लड़की ने तेज लहजे में कहा। यस मार्शल अटेंडिंग यू ओवर, उस आले से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अली इमरान को अचानक होश आ गया है, अब क्या करना है? ओवर, ग्लेंडा ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है, बगैर इंजेक्शन लगे उसे होश आ सकता है? ओवर, मार्शल के लहजे में बेपनाह हैरत थी। वो मेरे सामने मौजूद है और पूरी तरह होश में है। क्लिप होने की वजह से वो हरकत भी नहीं कर रहा और जबान साकेत होने की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा, मगर है वो होश में। ओवर, ग्लेंडा ने कहा। फाइनल चेक पोस्ट से उसका बेहोशी के आलम में क्रॉस होना जरूरी है ग्लेंडा, वरना गड़बड़ हो सकती है। मैं लेगजेंडर को कॉल करके कहता हूँ कि वो इस इमरान को दोबारा बेहोश कर दे, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से तश्वीश भरे लहजे में कहा। और उस लड़की के लैंडा ने जल्दी से आला ऑफ करके वापस अपने कोट की जेब में डाल दिया। काश तुम बोल सकते, मैंने तो सुना है कि तुम इंतहाई दिलचस्प बातें करते हो, लेकिन क्या करूं, फिलहाल तुम्हारा बोलना मुमकिन नहीं है। ग्लेंडा ने इमरान से मुखातिब होकर इमरान के जहन में सैकड़ों सवाल खलबला रहे थे, लेकिन वो वाकई उस वक्त इंतहाई बेबसी के शिकार हो रहा था। उसका जहन मुसलसल ये सोचने में मसरूफ था कि ये कौन लोग हैं और उन्होंने उसे फ्लैट में से कैसे अगवा किया था और अब वो कहाँ है और इस अगवा का असल मकसद क्या है, लेकिन जाहिर है वो खुद भी उनमें से किसी सवाल के जवाब न दे सकता था। उसी लम्हे उसने महसूस किया कि वैगन की ना सिर्फ रफ्तार हल्की होने लग गई है बल्कि वो साइड की तरफ होती जा रही है और फिर थोड़ी देर बाद वैगन रुक गई। उसके साथ ही वैगन का अकबी दरवाज़ा खुला और एक यूरोपीय आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पैकेट था। इसे होश आ गया है, उस नौजवान ने इमरान की तरफ देखते हुए उस लड़की ग्लेंडा से मुखातिब होकर कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, लड़की ने जवाब दिया। तो उस नौजवान ने मुड़कर वैगन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फिर पैकेट खोलने लगा। चंद लम्हों बाद उसने पैकेट में से एक सुरेंज बैग निकाली जिसमें सब्ज रंग का मैलोल पहले से ही थोड़ी सी मकदार में भरा हुआ था। इसके बाजू से कंबल हटाओ, नौजवान ने सुरेंज की सुई में लगी हुई कैप हटाते हुए ग्लेंडा से कहा। तो ग्लेंडा ने हाथ बढ़ाकर कंबल इमरान के बाजू से हटा दिया और नौजवान ने झुककर इमरान के बाजू में सुई उतार दी और चंद लम्हों बाद ही इमरान का जहन गहरी धुंध में डूबता चला गया।
धुंध गहरी होती चली जा रही थी और जैसे जैसे धुंध गहरी होती चली जा रही थी उसी लिहाज से इमरान के साथ भी फना होते चले जा रहे थे। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि धुंध छुटने लग गई है और चंद ही लम्हों बाद इमरान के जहन में रोशनी फैल गई और उसके साथ ही उसके एहसास दोबारा जिंदा हो गए और उसके साथ ही इमरान भी इख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इस बार जब उसके शऊर बेदार हुआ तो उसने अपने आप को एक आरामदेह पलंग पर लेटे हुए देखा। वो जिस कमरे में लेटा हुआ था वो वाकई एक शानदार बेडरूम के अंदाज में सजा हुआ था। कमरे की एक साइड पर शीशे की एक बड़ी खिड़की थी जिसकी दूसरी तरफ से तेज रोशनी अंदर आ रही थी। इमरान ने लाशौरी तौर पर जिस्म को हरकत देने की कोशिश की तो दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसका जिस्म अब हरकत कर रहा था। वो एक झटके से उठकर बैठ गया। अजीब सिलसिला है, अचानक उसके मुंह से खुद बखुद अल्फाज निकले और उसके जिस्म में मुसरत की तेज लहर दौड़ती चली गई, क्योंकि उसने ये अल्फाज बकायदा सुने थे। उसका मतलब था कि वो बोल सकता था और फिर उसने शौरी तौर पर अपनी जबान को हरकत दी तो उसका दिल अनजानी मुसरत से बरसा गया, क्योंकि अब जबान न सिर्फ अपनी नॉर्मल हालत में थी बल्कि बकायदा हरकत भी कर रही थी। खुदाया ये सब क्या है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, इमरान ने खुद ही अपने बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा और उसके साथ ही वो उछलकर बेड से नीचे उतर आया। चुटकी भरने से दर्द की तेज लहर उसके बाजू में दौड़ती चली गई थी और इस तेज दर्द की लहर ने उसे एहसास दिला दिया था कि वो ख्वाब बहरहाल नहीं देख रहा। उसने अपने लिबास को देखा और फिर एक तवील सांस लिया। उसके लिबास और जिस्म पर बकायदा पतलून और कमीज थी और ये पतलून और कमीज बहरहाल उसकी न थी लेकिन ये उसकी नाप की जरूर थी। इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसका ख्याल था कि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद होगा, लेकिन उसे ये देखकर हैरत के शदीद झटका लगा कि दरवाजा खुला हुआ था और बाहर एक राहदारी गुजरती हुई नजर आ रही थी। इमरान आगे बढ़ा लेकिन फिर वापस मुड़ आया, क्योंकि कमरे में दबीज कालीन बिछा हुआ था और इमरान के पैरों में जूते भी न थे, जबकि बाहर राहदारी में आमसा फर्श था, इसलिए वो वापस मुड़ा। उसी लम्हे उसने दीवार के साथ एक रैक में अपने जूते और जुराबों का जोड़ा पड़ा हुआ देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने जल्दी से पहले जुराबे पहने और फिर जूते पहन लिए। अभी तक कोई आदमी ना आया था और ना ही किसी की कोई आवाज सुनाई दी थी। इमरान जूते पहनकर कमरे से बाहर राहदारी में आया और फिर थोड़ी देर बाद वो उस इमारत से बाहर आ गया। उसके साथ ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गयी, क्योंकि बाहर आते ही उसने देखा कि वो एक छोटे से जजीरे में है जिसके चारों तरफ दूर दूर तक समुन्द्र का पानी नजर आ रहा था। जजीरा गुने दरख्तों से ढका हुआ था और खासा जरखेज नजर आ रहा था। उसने पूरे जजीरे का एक चक्कर लगाया, जजीरे पर सिवाय उस छोटी सी इमारत के जिसके बेडरूम में उसकी आंखें खुली थी और कोई इमारत न थी और ना ही पूरे जजीरे पर कोई आदमी मौजूद था। इमरान जजीरे का चक्कर लगाकर वापस उस इमारत में पहुंचा तो अचानक उसे बेडरूम से ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेजी से आगे बढ़ा और जूतों समेत बेडरूम में दाखिल हो गया। सीटी की आवाज एक बंद अलमारी के अंदर से आ रही थी। इमरान ने अलमारी के पट खोले तो अंदर एक खसूसी सख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था जिसमें से सीटी की आवाज निकल रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्राइमर कॉलिंग अली इमरान, ओवर। बटन ऑन होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस अली इमरान बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान तुमने जजीरे का चक्कर लगा लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि इस जजीरे पर इस वक्त तुम्हारे अलावा और कोई जीरो मौजूद नहीं है। इस इमारत में एक हफ्ते की एक आदमी की खुराक मौजूद है और ये जजीरा समुंदर के ऐसे हिस्से में है जहाँ से ना ही कोई बैरी जहाज गुजरता है और ना कोई हवाई जहाज, किसी लांच वगैरह के गुजरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी तुम खुद इंतहाई समझदार आदमी हो, मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ओवर, प्राइमर ने कहा। मुझे धमकियां और मौत का खौफ दिलाने की बजाय अपना असल मकसद बताओ। वैसे मैं तुम्हारे हुस्न सलूक का मुतरफ हूँ कि तुमने मेरे साथ बहरहाल कोई बुरा सलूक नहीं किया। एक खूबसूरत जजीरे में चंद रोज ही सही बहरहाल खासे इत्मीनान से गुजर जाएंगे, ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड शो, तुम्हारे मुतलिक मैंने जैसा सुना था तुम वाकई वैसे ही हो। मैं अपना नाम तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम प्राइमर है और मैं एक बैनुल अक्वामी तंजीम के एक सेक्शन का चीफ हूँ। तंजीम का नाम VIP है। हमारी तंजीम खसूसी साख का असला तैयार करके मुख्तलिफ मुल्कों की हकूमतों और बागी ग्रुपों को सप्लाई करती है। इस सिलसिले में हमारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा असला साज फैक्ट्रियाँ कायम हैं
और इसके साथ साथ नए से नए असला की ईजाद के लिए चंद बड़ी लेबॉरेटरियाँ भी हैं जहाँ दुनिया के इंतहाई आला दिमाग साइंसदान काम करते हैं। ऐसी ही एक लेबॉरेटरी में हमारे एक साइंसदान ने एक तजर्बे के दौरान एक ऐसा मादा तैयार कर दिया जो अपने अंदर तवानाई का बेपनाह ज़खीरा रखता था। दूसरे लफ्जों में जिस कदर तवानाई 10 लाख बैरल पेट्रोल के जलने से पैदा होती है वो उस मादे के 1 सेंटीमीटर टुकड़े से पैदा हो सकती है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये मादा मुसलसल तवानाई सप्लाई करने के बावजूद पेट्रोल की तरह खर्च नहीं होता बल्कि अपनी सख्त कैम रखता है। अलबत्ता इसकी तवानाई खत्म हो जाती है लेकिन हमारे साइंसदानों का ख्याल है कि उसके अंदर तवानाई मौजूद रहती है, इस तरह उसे मजीद काम में लाया जा सकता है। इस आइडिया पर मुसलसल काम होता रहा और हमने दुनिया भर से आला दिमाग साइंसदान को इंतहाई कसीर मुआवजा देकर इस काम पर लगाया क्योंकि हमें यकीन है कि ये ऐसी दरियाफ्त है कि उसे पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। वो ये असला की रेंज में नहीं आती लेकिन बाहर हाल इससे इस कदर आमदनी हो सकती है जितनी पूरी दुनिया का असला फरोख्त करके भी नहीं हो सकती। लेकिन अचानक इसमें एक ऐसी साइंसी उलझन पैदा हो गई है जिसने उसकी न सिर्फ मजीद पेशरफ्त रोक दी है बल्कि अगर ये साइंसी उलझन दूर ना हुई तो अब तक उस पर की गई तमाम मेहनत भी जाया हो जाने का खदशा है और सारा प्लान भी अक्सर खत्म हो सकता है। साइंसदानों ने इस साइंसी उलझन को हल करने की बेहद कोशिश की, बड़े बड़े साइंसदानों से मशवरे किए गए लेकिन ये मसला हल ना हो सका। फिर हमें बताया गया कि जो काम बड़े बड़े साइंसदान नहीं कर सकते वो तुम कर लेते हो, चुनांचे हमने फैसला किया कि तुमसे इस सिलसिले में बाकायदा मदद ली जाए। इस पर तुम्हारी हिस्ट्री ट्रेस की गई और हमें मालूम हो गया कि तुम साइंसदान होने के साथ साथ दुनिया के खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट भी हो और अगर तुम्हें इस मादे के बारे में इलम हो गया तो इस उलझन को दूर करने की बजाय तुम इस मादे पर कब्जा करके उसे पकेशिया के इस्तेमाल के लिए भी मखसूस कर सकते हो और VIP तंजीम और इसकी लेबॉरेटरियों फैक्ट्रियों सबका खात्मा कर सकते हो। तो हकीकत ये है कि हमने अपना फैसला बदल दिया और इस साइंसी उलझन को दूर करने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए लेकिन जब किसी सूरत भी मसला हल ना हो सका तो हमने आखिरकार तुम्हें इस सिलसिले में आजमाने का फैसला कर लिया। चुनांचे तुम्हें तुम्हारे फ्लैट से अगवा किया गया और फिर तुम्हें एक शदीद बीमार आदमी जाहिर करके पाकेशिया से यूरोप लाया गया और फिर वहाँ से इस जजीरे में पहुँचा दिया गया और वहाँ पर केशिया में किसी और को अभी तक मालूम ना हो सका होगा कि तुम कहाँ हो और किस हाल में हो और ना उन्हें मालूम हो सकता है। और यहाँ तक पहुँचने और यहाँ काम करने के बाद जाहिर है हम तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दे सकते लेकिन हम तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुँचाना चाहते क्योंकि हमारी तुमसे बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं है और अगर तुम हमारे साथ तावन करो और इस साइंसी उलझन को दूर करने में हमारी मदद करो तो हमारा वादा कि तुम्हें जिस तरह यहाँ लाया गया है उसी तरह बखैर वाफियत वापस पकेशिया पहुँचा दिया जाएगा और अगर तुम इनकार करोगे तो फिर ये जजीरा ही हमारा मरफन बनेगा और ये काम हम नहीं करेंगे, कुदरत करेगी, ओवर, प्राइमर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारी मेहरबानी मिस्टर प्राइमर कि तुमने मुझ जैसे साइंस के तालिब इलम पर इस कदर इतमाद किया और फिर मुझे कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाई और मुझे तुम्हारे वादे पर भी इतमाद है और मुझे इस हैरत अंगेज दरियाफ्त से भी दिलचस्पी पैदा हो गई है इसलिए मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी वजह से इस दरियाफ्त को मुकम्मल किया जा सकता है तो मुझे खुशी होगी क्योंकि बाहर हाल ये दरियाफ्त आखिरकार इंसानियत के ही काम आएगी। बाकी मौत जिंदगी की मुझे किसी तरह परवाह नहीं रही क्योंकि मेरा ईमान है कि इन दोनों चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला है। वो जब चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से न बचा सकेगी और जब तक वो ना चाहेगा उस वक्त तक पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे मौत के घाट नहीं उतार सकेगी, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। गुड, तुमने अच्छी बात की है, ओके, फिलहाल तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा, ओवर एंड ऑल, प्राइमर ने जवाब दिया और उसके साथ ही ट्रांसमीटर खुद ब खुद ऑफ हो गया। इमरान ने ट्रांसमीटर उठाया और उसे चेक करना शुरू कर दिया लेकिन दूसरे लम्हे उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि ये ट्रांसमीटर वाकई अजीब साख्त का था। उस पर ना ही कोई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जा सकती थी और ना उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम था जिसके साथ साथ ये उस वक्त तक सिर्फ रिसीविंग सेट ही रहता था जब तक दूसरी तरफ से कॉल ना की जाए। अपने तौर पर उस पर कहीं भी कॉल ना की जा सकती थी और ना उसे ऑफ किया जा सकता था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर वापस अलमारी में रखा और फिर उसने बेडरूम से निकलकर उस इमारत की मुकम्मल तलाशी लेनी शुरू कर दी लेकिन पूरी इमारत में सिवाय उस बेडरूम के और किसी कमरे में कोई फर्नीचर न था। सब कमरे खाली पड़े हुए थे, किसी किस्म का कोई असला भी मौजूद न था। अलबत्ता किचन में बंद खुराक के डब्बे रखे हुए थे और पानी से भरी हुई बोतलें भी लेकिन उनकी तादाद वाकई महदूद थी। बहुत कंजूसी से उन्हें इस्तेमाल किया जाता तो भी ये ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक ही काम दे सकते थे। इमरान इमारत से निकलकर एक बार फिर जजीरे पर घूमने लगा और अब उसे ये देखकर हैरत हो रही थी कि पूरे जजीरे में एक भी चश्मा ना था, दरख्त भी एक ही किस्म के थे और उन पर किसी किस्म का कोई फल ना था और ना ही वहाँ कोई परिंदा था सिवाय उन कुने दरख्तों के। उस पूरे जजीरे पर इमरान के अलावा और कोई जानदार ना था। इमरान किनारे पर मौजूद चट्टान पर आकर बैठ गया। वो मुसलसल सोच रहा था कि ये सब कुछ क्यों और कैसे
कैसे हुआ, और क्या वाकई उसके साथियों को ये इल्म ना हो सकेगा कि उसे कौन अगवा करके ले गया है और इस वक्त वो कहाँ मौजूद है, और क्या वाकई जो कुछ उस प्राइमर ने कहा है वो दुरुस्त है, और अगर वाकई दुरुस्त है तो वो इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है कि अचानक वो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि उसने दूर से एक लांच को इंतहाई तेज रफ्तारी से जजीरे की तरफ आते हुए देखा। तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। लांच काफी दूर थी लेकिन बहरहाल उसका रुख जजीरे की तरफ ही था। इमरान ने देखा कि लांच में एक लड़की मौजूद थी जिसके बाल हवा में दूर से लहराते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान खामोश खड़ा उस लांच को करीब आते देखता रहा। उसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात की खिचड़ी पक रही थी। फिर लांच किनारे के करीब पहुँच गयी और इमरान ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा कि लांच में वाकई नौजवान यूरोपीय लड़की अकेली थी। उसके जिस्म पर जींस की पतलून और शर्ट थी जिसके ऊपर उसने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। उसने लांच का इंजन बंद किया और फिर झुक कर उसने एक ब्रीफ केस उठाया और लांच से निकलकर जजीरे पर उतर आई। उसी लम्हे उसके अकब में एक खौफनाक धमाका हुआ और लांच हजारों टुकड़ों में तकसीम होकर समुन्द्र में बिखरती चली गई। इस धमाके के बावजूद लड़की ने मुड़कर भी ना देखा था। शायद ये धमाका उसकी तवक्को के मुताबिक हुआ था। मेरा नाम डेमी है, डॉक्टर डेमी। तुम अली इमरान हो, लड़की ने आगे बढ़कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए संजीदा लहजे में कहा। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, लेकिन वेरी सॉरी, मेरी अम्मा भी ने मना कर रखा है कि औरतों से मुसाफा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मुसाफा नहीं कर सकता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो डेमी ने एक झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया और उसके चेहरे पर शदीद नागवारी के तसरात उभर आए थे। तुम एशियाई लोग वाकई हद दर्जा पसमानदा हो, न जाने तुमने ऑक्सफोर्ड से DSc की डिग्री कैसे हासिल की, वरना सच पूछो तो तुम मुझे एक MX से नौजवान नजर आ रहे हो, डेमी ने मुँह बनाते हुए कहा। काश तुम्हारी ये बात मेरे मुल्क के लोग भी सुन लेते तो मेरे लिए कितना बड़ा एजाज होता, लेकिन यहाँ तो इस एजाज की गवाही देने वाला कोई नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो डेमी बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब, कैसा एजाज, मैं तो तुम्हें एमक कह रही हूँ और तुम उसे एजाज कह रहे हो, कहीं तुम्हारा जहनी तवाजन तो खराब नहीं है, डेमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। एशिया में दरअसल यूरोप से मामलात उल्ट चलते हैं, तुम गद्दे और उल्लू को अकलमंद कहते हो जबकि हम उन्हें बेवकूफ़ और अहमक समझते हैं। इसी तरह तुम्हारे यहाँ अगर कोई नौजवान लड़की किसी नौजवान लड़के को अहमक कहे तो शायद वो लड़का खुदकशी कर लेगा, लेकिन हमारे यहाँ किसी लड़की का लड़के को अहमक कहना बहुत बड़ा एजाज होता है। इसका मतलब होता है कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है, और उसमें ये इशारा भी होता है कि अगर लड़का चाहे तो लड़की को प्रपोज कर सकता है, इसलिए तुम्हारा मुझे अहमक कहना मेरे लिए वाकई एजाज की बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें यहाँ प्रपोज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ शादी के गवाह भी मौजूद नहीं है, इसलिए शादी तो नहीं हो सकती, और जब शादी ही नहीं हो सकती तो फिर खाली प्रपोज करने का क्या फायदा, इमरान की जबान रवां हो गई थी। डेमी हैरत से इमरान को देख रही थी और उसकी आंखों में उलझन के तसरात उभर आए थे, जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि वो इमरान को किस तरह डील करे। क्या तुम्हारे मुल्कों में अभी तक शादी जैसे पसमानदा रवाज मौजूद है, हैरत है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम लोग अभी तक कदीम दौर के रस्म रवाज के चक्रों में फंसे हुए हो, डेमी ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, क्या यूरोप शादी का रवाज नहीं रहा, ये कौन सी सदी है, इमरान ने चौंक कर पूछा। 20वीं सदी, क्यों, तुमने ये बात क्यों पूछी है, डेमी ने हैरान होकर पूछा। ओह, फिर तो तुम्हारी बात ने मुझे मजीद हैरान कर दिया है, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर यह समझा था कि शायद मुझे किसी टाइम मशीन के जरिए मुस्तकबिल में 1000वीं सदी में भेज दिया गया। 20वीं सदी में तो यूरोप में भी शादी का रवाज मौजूद था, इमरान ने कहा। तो डेमी पहली बार हंस पड़े। हाँ, अब भी है, लेकिन कदीम और पसमानदा जहन के अफराद में तरक्की याफ्ता और जदीद दौर के नौजवान इस अहमकाना रस्म रवाज पर यकीन नहीं रखते। जब वो इकट्ठे रहने लग जाते हैं तो उसे तुम शादी कह सकते हो, और जब वो अलहदा हो जाते हैं तो तलाक कह सकते हो। और डेमी ने कहा, इसका मतलब है कि अब मैं और तुम यहाँ इकट्ठे रहें तो क्या मैं उसे शादी समझ, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। तो डेमी एक बार फिर हंस पड़े। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इकट्ठे रहने के लिए नहीं है, और ना मेरा तुम जैसे अहमक आदमी के साथ रहने का कोई इरादा है, डेमी ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी लांच तो तबाह हो गई, फिर तुम वापस कैसे जाओगी, क्या तुम कोई जादू वगैरह जानती हो कि धुआं बनकर गायब हो जाओगी, इमरान ने लहजे में इंतहाई हैरत पैदा करते हुए कहा। ये फजूल बकवास बंद करो, चलो इमारत में चलकर बैठते हैं, मैं अपने साथ कुछ कागजात ले आई हूँ, तुम उन्हें पढ़ो, प्राइमर का कहना है कि तुम इस सेंसी उलझन को दूर कर सकते हो, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन तुम्हें देखने और तुमसे मिलने के बाद मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि तुम कोई काम कर सको, बाहर मैंने ड्यूटी देनी है, डेमी ने कहा और इमारत की तरफ बढ़ गया। इमरान ने एक तवील सांस लिया और उसके पीछे चलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ गया। क्योंकि सिवाय बेडरूम के और किसी कमरे में किसी किस्म का कोई फर्नीचर न था, इसलिए वो दोनों उसी बेडरूम में आ गए। डेमी ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस मेज पर रखा और उसे खोलकर उसने उसके अंदर रखी हुई एक फाइल निकालकर
इमरान की तरफ पढ़ा, तुम इसे पढ़ो, मैं इस दौरान बाहर का एक चक्कर लगाकर आती हूँ, लेमी ने कहा और तेजी से कदम उठाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गायब न हो जाना, बहरहाल तुम्हारा दम यहाँ मेरे लिए गनीमत है, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन लेमी ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इमरान इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया और उसने फाइल खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फाइल खास जखीम थी और चूंकि इमरान के लिए उसमें मौजूद मवाद में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए इमरान उसे पढ़ते हुए खोसा गया। जब उसने फाइल खत्म की तो उसने एक तवील सांस लिया और फाइल बंद करके उसे मेज पर रख दिया। कुछ समझ में आया है, अचानक डेमी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे फाइल पढ़ते हुए वाकई एहसास तक न रहा था कि डेमी किस वक्त कमरे में आकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुकी है। हाँ बहुत कुछ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो डेमी के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। क्या समझ में आया, डेमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही कि छोटा सा जजीरा हो जहाँ किसी किस्म की मदाखलत ना और तुम जैसी हसीन लड़की भी मौजूद हो तो शादी वाकई पसमानदा सा रवाज है, इमरान ने जवाब दिया। शट अप यूनान, इस सेंसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ जो इस फाइल में मौजूद है, डेमी ने इंतहाई हौसले लहजे में कहा। सेंसी प्रॉब्लम और इस फाइल, हैरत, मैंने तो सारी फाइल पढ़ डाली है, मुझे तो इसमें कोई सेंसी प्रॉब्लम नजर नहीं आया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर क्या नजर आया है तुम, डेमी ने जुलाए हुए लहजे में कहा। टाइप शुदा कागजा, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में जवाब दिया तो डेमी के चेहरा गुस्से की शिदत से सुर्ख हो गया। क्या तुम वाकई अहमक, डेमी की जुलाहट वाकई अब अपने अरूज की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अब तो मुझे भी यकीन आता जा रहा है, भला तुम खुद बताओ, अकेला जजीरा हो, तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़की हो, कोई मुदाखलत करने वाला ना हो, उसके बावजूद मैं कदीम और पसमानदा रवाज शादी के बारे में सोच रहा हूँ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। तो डेमी ने झपट कर फाइल उठा, ब्रीफ केस खोला, फाइल उसमें रखी और ब्रीफ केस बंद करके वो एक झटके से उठी और फिर इमरान से कोई बात किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान कुर्सी पर उसी तरह इत्मीनान से बैठा रहा, डेमी बाहर चली गई। फिर उसकी वापसी 15 मिनट बाद हुई तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो मुस्कुराना तो ना चाहती हो लेकिन ऐसा करने पर मजबूर हो। क्या हुआ, क्या प्राइमर ने मुस्कुराने का हुक्म दे दिया जो इस तरह जबरदस्ती मुस्कुरा रही हो? वैसे अगर तुम मुस्कुराना नहीं चाहती तो बिल्कुल ना मुस्कुरा, बल्कि अगर रोने का मूड हो तो बेशक रोना शुरू कर दो। वैसे भी मुझे मुस्कुराती हुई औरतों से बड़ा खौफ आता है, लगता है अभी मुस्कुराना छोड़कर रोना शुरू कर देगी, जबकि रोती हुई औरतें मुझे बेहद अच्छी लगती है क्योंकि कम अज कम उनकी तरफ से फौरी तौर पर कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता। इमरान की जबान एक बार फिर रवा हो गई थी, जाहिर है डेमी की मसनूई और जबरी मुस्कुराहट उसकी नजरों से कैसे छुपी रह सकती थी। तुम कैसे आदमी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, उधर चीफ मेरी जान खा रहा है, उसने कहा है कि मैं हर कीमत पर तुमसे इस सेंसी उलझन को हल कर, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? इस बार डेमी ने बड़े बेबस से अंदाज में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। प्राइमर इस इमारत से बाहर क्यों खड़ा है, उसे भी अंदर ले। वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ एक मर्द और एक औरत अकेले हों वहाँ तीसरा शैतान होता है, इमरान ने कहा। क्या मत, बाहर चीफ कैसे खड़ा हो सकता, क्या तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन तो खराब नहीं होगा, डेमी ने लहजे में कहा। फिर तुमने कैसे प्राइमर का पैगाम हासिल कर ली, अगर तुम्हारे पास ट्रांसमीटर है तो ये बातचीत तुम मेरे सामने भी कर सकती थी, इमरान ने कहा। तो डेमी ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाल लिया जो आम से सिगरेट केस जैसा था। उसने उसका ढक्कन खोला और अंदर अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली को एक सुराख में रखकर दबाया तो सिगरेट केस से टू टू की आवाज सुनाई देने लगी और डेमी ने उंगली हटा ली, सिगरेट केस का खुला हुआ ढक्कन बंद कर दिया। हेलो प्राइमर कॉलिंग ओवर, चंद लम्बो बाद प्राइमर की आवाज़ सिगरेट केस से निकली। डेमी बोल रही हूँ, आप इमरान से खुद बात कर, मुझे तो उसकी अजीब गरीब और ऊट पटांग बातें समझ में नहीं आती, और डेमी ने कदरे झुंझलाए हुए लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दी। डेमी तुम इमरान को डील करने में वाकई कतई नाकाम रही, जबकि मेरा ख्याल था कि तुम जैसी खूबसूरत जहीन और साइंसदान लड़की इमरान की अच्छी साथी साबित होगी और इमरान भी तुमसे मुतासर होकर यकीनन हमारे साथ तावन करेगा, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया है। ओवर, प्राइमर की सर्त आवाज़ सुनाई दी तो डेमी का चेहरा यकलख्त हल्दी की तरह जर्द पड़ गया, उसके चेहरे पर शदीद तरीन खौफ के तसरात ऊपर आए। मैंने तो बेहद कोशिश की है, मम मुझे माफ कर दो जी। ओ, डेमी ने इंतहाई खौफ भरे लहजे में कहना शुरू कर दी। मिस्टर इमरान, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो खुद जवाब दो। ओवर, प्राइमर ने कहा। ना सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ बल्कि मैंने तुम्हारे रोब और जलाल को भी देख लिया कि सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर डेमी के चेहरे और जिस्म का सारा खून खुश्क हो गया। लेकिन क्या तुम्हारा ये रोब और दबदबा सिर्फ औरतों के लिए ही मखसूस है? ओवर, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। डेमी को मालूम है कि हमारी तंजीम में लफ्ज नाकामी का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो डेमी की जिंदगी अब भी बच सकती है। तुमने फाइल पढ़ ली है बहुत, क्या तुम इस मसले को हल कर सकते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। प्राइमर का लहजा सख्त होता चला गया। 3 बार हाँ करना होगी या 1 बार ही काफी रहेगी? ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम ये काम कर सकते हो? वेरी, फिर तुम ये काम शुरू कर, डेमी तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम मसला हल कर दोगे तो डेमी हमें कॉल करके बता देगी, उसके बाद तुम्हारा ये काम हम अपने साइंसदानों को भिजवा देंगे और अगर वाकई ये काम हो गया तो फिर तुम पर इनामात की बारिश।
हो जाएगी। और प्राइमर ने कहा, मसलन किस किस्म के इनामात? इमरान ने कुन अंखियों से डेमी की तरफ देखते हुए कहा। उसी लम्हे डेमी यकरख दोनों हाथों से इशारा करने लगी, जैसे कह रही हो कि इनाम में मेरी जिंदगी मांग, जो भी तुम चाहो, और यकीन करो तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। VIP तुम्हारी हर मांग पूरा करने की ताकत रखती है। प्राइमर ने कहा, लेकिन ये तो हाँ की सूरत में तुम्हारा जवाब हो, ना की सूरत में क्या होगा? इमरान ने कहा। प्राइमर ने सर लहजे में जवाब देते हुए कहा, सुनो प्राइमर, तुम शायद आमकों की दुनिया में रहते हो, जो ये समझ रहे हो कि तुम इस तरह मुझे अगवा करके इस जजीरे में कैद करके मुझसे अपनी मर्जी का काम करा लो, जो तुम्हारा मसला है वो मैंने देख लिया है। मेरे लिए ये इंतहाई मामूली सी बात है, और मुझे हैरत है कि तुम्हारे साइंसदानों को ये मामूली सी बात क्यों समझ में नहीं आ सकती। बाहर मेरी तरफ से ना समझ, और जो कुछ तुम कर सकते हो करके देख लो। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, देखो इमरान, अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कोई नामुनासिब सलूक नहीं किया, इसलिए इनकार मत। मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। डेमी की हालत मेरी बजाय तो खुद देख रहे हो, उसकी ये हालत इसलिए है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें जिस तरह अगवा किया गया है और यहाँ पहुँचाया गया है, उससे भी तुम मेरी ताकत और मेरे वसाइल का अंदाजा लगा सकते हो। अब जो कुछ मैं कहूँगा उसे मत धमकी न समझना। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारा बाप दोनों की, और इसी तरह तुम्हारी बहन सुरैया को भी आसानी से गोली मारी जा सकती है, और उनकी लाशें यहाँ तुम्हारे जजीरे पर पहुँचाई जा सकती है। प्राइमर ने कहा, और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। इमरान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से खून कबूतर की तरह सुर्ख हो गया था। ये तो इंतहाई घटिया दर्जे का मुजरिम है नांस, इमरान ने कुराते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर इस कदर शदीद गुस्से के तसरात ऊपर आए थे कि पास बैठी हुई डेमी यकलख्त खौफजदा होकर उठकर कमरे के कोने में जा खड़ी हुई। मम मुझे मत मार, मैंने कुछ नहीं कहा, मम मैं बेकसूर, डेमी ने कांपते हुए लहजे में कहा। तो इमरान प्यार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दी, और चंद लम्हों बाद उसका चेहरा दोबारा नॉर्मल हो गया। इधर आकर बैठो डेमी, अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम किस कैफियत से गुजर रही हो। प्राइमर जैसे घटिया इंसान और घटिया मुजरिम से कुछ बईद नहीं है कि वो क्या कर गुजरे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं होगा, इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। इमरान, तुम इस तंजीम के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर तुम ये मसला हल कर सकते हो तो कर, इस तरह तुम अपनी और अपने खानदान की जिंदगियां भी बचा लोगे और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी, वरना वाकई वो सब कुछ कर सकते हैं, डेमी ने कहा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब उसका काम हो जाएगा तो वो हमें जिंदा छोड़ दे? पहले तो शायद मैं उस पर एतमाद कर लेता, लेकिन अब मुझे उसकी असलियत का इलम हो गया है, इसलिए अब उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, वो वाकई ही तुम्हें जिंदा छोड़ देगा, प्लीज फॉर गॉड, डेमी ने यकलख दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। एक शर्त पर यह काम कर हो सकता है, तुम मुझे उस तंजीम और उसके हेडक्वार्टर के बारे में तफसील से बता, इमरान ने कहा। मैं बता दूंगी जो तुम चाहो, सब कुछ बता दूं, लेकिन प्लीज ये काम कर, डेमी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो जो कुछ तुम जानती हो वो सब बता, इमरान ने कहा। क्या तुम वादा करते हो कि तुम फिर ये काम कर दो? डेमी ने कहा। हाँ, वादा रहा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जो कुछ मैं जानती हूँ वो मैं बता देती हूँ। मेरा ताल्लुक के एक कास्ट्रिया से, कास्ट्रिया के जनूब मगरबी इलाके में पहाड़ियों पर मुश्तमिल, उन पहाड़ियों को वहाँ की मकामी जबान में गोराश कहा जाता है। गोराश में एक गांव है जिसका नाम हालेक है। उस गांव के करीब जेर जमीन VIP की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, जहाँ 40 के करीब साइंसदान काम करते हैं। ये मादा जिसे अभी तक VIP का ही नाम दिया गया, इस लेबोरेटरी के एक साइंसदान डॉक्टर कलेरल ने दरियाफ्त किया, और इस लेबोरेटरी में ही उस पर काम हो रहा है। मैं भी उस लेबोरेटरी में ही काम करती हूँ। प्राइमर VIP के जिस सेक्शन का चीफ है, ये लेबोरेटरी उसी सेक्शन के तहत ही काम करती। इस तरह इस लेबोरेटरी का मुकम्मल कंट्रोल प्राइमर के पास है। प्राइमर ने मुझे यहाँ भिजवाया है। यहाँ से कुछ फासले तक मुझे एक ट्रांसमीटर हेलीकॉप्टर पर लाया गया, फिर मुझे लॉन्च समेत समुद्र में उतार दिया गया, और मुझे बता दिया गया कि लॉन्च में खसूसी साख्त का बम नसब। वो लोग हेलीकॉप्टर किसी खसूसी मिशन पर मुझे चेक करते रहे, और मैं जैसे ही लॉन्च से उतरकर जजीरे पर पहुंचूंगी, वो इस बम को डिचार्ज करके लॉन्च के टुकड़े कर दें, ताकि तुम उस लॉन्च के जरिए फरार ना हो सको। मुझे बता दिया गया है कि अगर मैंने तुम्हें उस काम पर आमादा ना किया तो मुझे सजा दी जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हें आसानी से आमादा कर लूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो न जाने क्या बात थी कि तुम्हें देखकर मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझसे मुतासर नहीं हो। बस ये तसर मेरे जहन में जैसे ही उभरा, मेरा लहजा खुद बहुत सख्त होता चला गया। उसके बाद तुमने बातें भी ऐसी करना शुरू कर दी कि मेरे पहले से झुंझलाए हुए जहन में मजीद झुंझलाट पड़ती चली। फिर मैंने बाहर जाकर इस खसूसी साख्त के ट्रांसमीटर पर प्राइमर से बात की, तो प्राइमर ने मुझे धमकी कि अगर मैं नाकाम रही तो मुझे मौत की सजा दी जाएगी, इसलिए मैं जाकर तुम्हें हर कीमत पर आमादा कर, मैं वापस, उसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने। प्राइमर मुझे मौत की धमकी दे रहा है, इसलिए अब मेरी जिंदगी सिर्फ एक सूरत में बच सकती है कि तुम ये काम कर दो और फिर इनाम के तौर पर मेरी जिंदगी बचा लो, वरना मुझे तो बहरहाल मरना ही है। ये लोग अपनी धमकियों पर पूरी तरह अमल करने पर कादिर हैं, डेमी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा।
अगर मैं ये काम कर दूं तो फिर तुम्हें यहाँ से किस तरह ले जाया जाएगा, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, ज़ाहिर है प्राइमर उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा, डेमी ने जवाब दिया। ओके, निकालो वो फाइल, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और डेमी ने जल्दी से ब्रीफकेस से फाइल निकाली और इमरान की तरफ बढ़ा दी। तुम बाहर जाकर जजीरे की सैर करो, मैं इस पर काम करता हूँ। मुझे चूंकि जहन को मुकम्मल तौर पर इस पर मरकूज करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए मुदाखलत का बायस होगी। जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, इमरान ने कहा। तो डेमी खामोशी से उठी और तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकलती चली गई, और इमरान फाइल खोलकर उस पर चुप गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।